पुरानी करेंसी को बदलने के मामले में आरबीआई बेंगलुरु के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये डिटेल सभी अभी मिल रही हैं और ये कर्मचारी आरबीआई बेंगलुरु का है। गिरफ्तार कर्मचारी का नाम माइकल है और वो सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के पद पर तैनात है। सीनियर स्पेशल असिस्टेंट इस पद पर है ये व्यक्ति। सीबीआई ने गिरफ्तारी 1,51,24,000 के पुराने नोट बदलने के मामले में की है। ये गिरफ्तारी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की कोलेगला ब्रांच से की गई है। कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए जिनसे 16,84,000 की रकम बरामद की गई। आरोप यह है कि इस बैंक ब्रांच के जरिए पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने का गोरख धंधा चल रहा है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। मनीष, ये जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनके बारे में क्या डिटेल्स मिल पाई है और एक तो आरबीआई का कर्मचारी बताया जा रहा है। देखिए, जो तीनों बाकी अधिकारी हैं वो बैंक के अधिकारी हैं पूर्णिमा, लेकिन जो सबसे हैरान करने की बात यह है कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी का नाम जुड़ रहा है, जो बहुत बड़ा एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि पहले माना जा रहा था कि बैंक लेवल पर बैंक की जो ब्रांचेज हैं ब्रांच लेवल पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, कुछ ब्रांचों ने बड़े पैमाने पर लोगों के ब्लैक मनी को वाइट किया, पुराने नोट्स के बदले उनको नए नोट दिए बड़ी संख्या में। लेकिन अब सीबीआई ने ये जो के माइकल नाम के शख्स को अरेस्ट किया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेंगलोर ब्रांच में है, अब इसके बाद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जब नोट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकों की ओर निकल रहे थे या उनके जो हिसाब रखे जा रहे थे, क्या वहीं पर दलालों की या एजेंटों की पहुंच हो गई थी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत मैसिव लेवल पर यह करप्शन की बात सामने आएगी। क्योंकि यह हमेशा कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बैंक ब्रांच अपने लेवल पर कितने लोगों के नोट बदल देगी, तो यहाँ बड़े इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही थी। और सीबीआई का भी मानना है कि जिस तरीके से छापे कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी का नाम जुड़ना ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, खासतौर पर उन लोगों के लिए, सरकार के लिए भी, कि जो ये उम्मीद में थी कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। नोट बैन के बाद बैंकों में जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कई ऐसे बैंक्स हैं, सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय ने इसके मंगवाए हैं और साथ ही बैंक्स की सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी भी जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कई बैंक में इनकम टैक्स अफसर ग्राहक बनकर गए और गैर कानूनी तरीके से नोट बदलवाने की कोशिश की। बैंक अफसरों से उसके लिए उन्होंने बात की और इसमें कई बैंक के स्टाफ हैं दूसरे के आईडी पर पुराने नोट को गलत तरीके से एक्सचेंज भी कराए। इस पूरी जांच में सरकार फिलहाल भ्रष्ट बैंक स्टाफ पर कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे ही लोगों को करेंसी मिलने की दिक्कत खत्म होगी सरकार इन पर कार्रवाई शुरू कर देगी। आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि जो गड़बड़ी करने वाले बैंक हैं उन पर सरकार किस तरह से नजर बनाए हुए है। गैर कानूनी तरीके से बैंक में नोट एक्सचेंज कराने पर सरकार की नजर है। कई बैंक अफसरों ने दूसरों की आईडी पर नोट एक्सचेंज किए। देश के कई बैंक के सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय ने मंगवाए हैं। निजी और पब्लिक सेक्टर के बैंक पर सरकार की नजर है। इनकम टैक्स के अफसरों ने ग्राहक बनकर बैंक से संपर्क किया, बैंक स्टाफ से पुराने नोट गैर कानूनी तरीके से बदलने की बात की। सरकार अभी बैंक और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही नोटबंदी की दिक्कत खत्म होगी बैंक्स पर कार्रवाई की जाएगी।